इस्कॉन के चेयरमैन पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री महेश शर्मा जी, संसद में मेरी सहयोगी श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, इस्कॉन के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यगण और यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, हंगेरी समेत कई देशों से लोग पहुंचे हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत अभिवादन। साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज का दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज सुबह ही मैंने गांधी शांति पुरस्कारों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अभी मुझे दिव्यतम ग्रंथ गीता के भव्यतम रूप के राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिल रहा है। यह अवसर मेरे लिए और भी खास है क्योंकि मैं उस जगह खड़ा हूं जहां करीब दो दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस मंदिर परिषद का शिलान्यास किया। साथियों, दुनिया की ये भव्यतम श्रीमद् भगवद गीता 3 मीटर लंबी और 800 किलो की है। ये सिर्फ अपने आकार की वजह से ही खास नहीं है, वास्तव में सदियों तक दुनिया को दिए गए महान भारतीय ज्ञान का प्रतीक बनकर के, एक प्रतीक चिन्ह बनकर के रहने वाली है। इस गीता को बनाने में इस्कॉन से जुड़े आप सभी ने अपना पूरा सामर्थ्य और रचनात्मकता लगाई है। ये गीता भगवान श्री कृष्ण और स्वामी प्रभुपाद के श्रद्धालुओं की भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस सराहनीय प्रयास के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इससे भारत के पुरातन और दिव्य ज्ञान की परंपरा की तरफ विश्व की रुचि और अधिक बढ़ेगी। साथियों, भगवद गीता को सामान्य से सामान्य मानवी तक पहुंचाने के अनेक प्रयास अब तक हो चुके हैं। सबसे छोटी गीता से लेकर सबसे बड़ी गीता तक इस दिव्य ज्ञान को सरल और सुलभ कराने के लिए निरंतर कोशिश हुई है। देश विदेश की अनेक भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद हो चुका है। साथियों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने तो जेल में रह करके गीता रहस्य लिखा है। इसमें लोकमान्य तिलक ने भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्मयोग की बहुत ही सरल व्याख्या की है। उन्होंने लिखा है कि गीता के संदेश का प्रभाव केवल दार्शनिक या विद्वानों की चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि आचार विचार के क्षेत्र में भी वो सदैव जीता जागता प्रतीत होता है।